नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। एक नए हफ्ते की शुरुआत और इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन मार्केट्स के हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ते की शुरुआत इस वीडियो से हम करने जा रहे हैं। एंड इसीलिए हम शुरुआत आज करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के साथ। ग्लोबल इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज भी है जो हम आगे कवर करेंगे, लेकिन इस वक्त, इस हफ्ते के लिए और शुरू करते हुए आज के दिन से इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज आर गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट्स। आप जानते हो वो सब किस चीजों के बारे में है, तो उन्हें हमें एड्रेस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम आज के एपिसोड की शुरुआत इंडियन इकोनॉमी से ही करने वाले हैं। एंड सबसे पहली न्यूज हम यहाँ पर कवर करेंगे कि एग्जिट पोल के जो नंबर्स आए हैं उसका मार्केट पर इम्पैक्ट होना। तो लोकसभा रिलेटेड एग्जिट पोल्स आए हैं, हालांकि एग्जिट पोल्स फाइनल रिजल्ट नहीं होते, बट ओवरऑल ऐसे दिख रहा है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है दैट इज सपोज टू गेट समवेयर अराउंड 350+ सीट्स इन द इलेक्शंस। तो इससे मार्केट पर असर क्या होने वाला है, बिकॉज हम सिर्फ दैट एस्पेक्ट पर ही ज्यादा बात करने वाले। सो ऑब्वियसली मार्केट को कभी भी सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल होती है, बिकॉज पॉलिसी चेंजेस एंड पॉलिसी रिलेटेड चीजों के लिए जो हेल्प होती है बिजनेसेस को वो ज्यादा मानी जाती है। तो जो नंबर्स अब तक आ रहे हैं, एनीवे हमको कल सारे नंबर्स जो है वो फाइनल नंबर्स पता चलने वाले, बट इट सीम्स दैट द एनडीए गवर्नमेंट इज लुकिंग टू एंटर देयर थर्ड टर्म ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट्स है एंड ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है, दे आर सेइंग दैट दीज आर गुड साइंस फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड द स्टॉक मार्केट्स इन जनरल। जो ट्रेंड कंटिन्यू होगा ऑफ द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट वी आर ट्राइंग टू सी, तो वो एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट जब आती है तो वो थोड़ा इजियर होता है फॉर द पॉलिसी मेकिंग, एंड इससे ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी थोड़ा हेल्प इकोनॉमी को उस हिसाब से यहाँ पर होता है। तो यही दिख रहा है जो नंबर्स आ रहे हैं एग्जिट पोल्स में, कि जो हम ऑलरेडी जीडीपी नंबर्स को कवर करने वाले हैं आगे न्यूज में, तो दैट इज अनदर पॉजिटिव एस्पेक्ट जो इसको ऐड कर रहा है करंटली फॉर द पॉजिटिविटी, इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी फॉर द स्टॉक मार्केट्स इन दिस वीक। कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि मार्केट इस ये जो सारी चीजें हो रही है करंटली इससे काफी एक्साइटेड रहेगा ऑफ द रिफॉर्म्स जो आगे प्रोड्यूस हो सकते हैं फ्रॉम दिस गवर्नमेंट, एंड इससे प्रेडिक्टेबिलिटी आती है ऑफ द फ्यूचर अर्निंग्स। एंड इसी वजह से इंडिया इज करेंटली अट्रैक्टिंग प्रीमियम वैल्यूएशन कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज एंड कंपेयर टू इवन अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज एज वेल। इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली ये है कि अगर हम पिछले एक महीने की भी बात करें तो DIIs ने काफी हैवी बाइंग की है इन द कैश मार्केट इन इंडिया। ऑल्दो FIIs हैव बीन अ बिट कॉन्शियस कि वो थोड़े कॉशियस रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि क्या क्या अनसर्टेनिटी उन्हें दिख रही थी अबाउट द इंडियन स्टॉक मार्केट्स। तो ऑलरेडी DIIs हैव इनफ फंड्स टू बाय एग्रेसिवली इन दिस सिचुएशन। हमने कैश कितना रखा है बाय ऑल म्यूचुअल फंड्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस मंथ वो देखा था। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पर थोड़ी सर्टेनिटी दिखनी शुरू हो जाती है, देन दैट कुड बी अ सिग्नल दैट जो इंडियन स्टॉक मार्केट है दैट कुड सी सम गुड डेज इन द नेक्स्ट फ्यू डेज अहेड। ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट एन ऑल टाइम हाई, बट जो सारी चीजें होती है फॉर इन्वेस्टमेंट्स टू कम इन टू अ कंट्री लाइक इंडिया, तो वो यहाँ पर इस वीक में दिखनी शुरू हो गई है, एंड दैट कुड बी अ साइन कि द मार्केट विल रिएक्ट पॉजिटिवली टू इट। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंडिया के Q4 GDP डेटा की। तो ये डेटा फ्राइडे को रिलीज हुआ था जहां पर एक्सपेक्टेशन से बेहतर ग्रोथ यहाँ पर देखी गई है। बहुत सारे एस्टिमेट्स थे कि 6 से 7% के बीच में Q4 स्पेसिफिकली Q4 का जो नंबर है वो रहेगा, बट द GDP ग्रोथ हैज कम एट 7.8%। मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ है दैट हैज बीन द स्टैंड पॉइंट ऑफ दिस ग्रोथ नंबर। FY24 की एंटायर ईयर की जो ग्रोथ है दैट कम्स आउट एट 8.2%। तो ये फर्स्ट प्रोविजनल नंबर्स है, दीज आर नॉट फाइनल नंबर्स, लेकिन ये प्रोविजनल नंबर्स है, बट इससे ही क्लियर हो रहा है कि ऑब्वियसली 8.2% की ग्रोथ इज मच बेटर देन एनी अदर इमर्जिंग इकोनॉमी दैट हैज सीन इन FY24। अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो जो ग्रॉस रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड है GVA जिसे कहते हैं, तो वो 7.2% से बड़ा है कंपेयर टू 6.7% जो FY23 में देखा गया था। तो काफी अच्छी ग्रोथ प्रोपेलिंग इंजन यहाँ पर दिख रहा है कि इंडिया की जो $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो अगले कुछ सालों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो सकती है, उसके साइंस यहाँ पर ये सारे डेटा से नजर आ रहे हैं। जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ग्रोथ फॉर FY24 वुड बी अराउंड 8%, फाइनल नंबर अराउंड 8.2% तक आया है। सो इट हैज ऑलरेडी बीटन दी RBI's एस्टिमेट अबाउट दी ग्रोथ। इन कंपैरिजन अगर हम कंपेयर करें टू अ कंट्री लाइक चाइना, तो चाइना ने फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2024 में 5.3% की ग्रोथ देखी, तो उसके कंपैरिजन में इंडिया हैज डन मच बेटर इन दीज फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2024। अगला जो डेटा पॉइंट है जिसकी हम बात करने वाले हैं, अगेन अ पॉजिटिव
इंक्लिंक फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव एंड दैट इज अबाउट जीडीपी कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन डेटा। तो जीएसटी के कलेक्शन के डेटा नंबर्स आए हैं फॉर मई 2024। सो दीज रिलेट्स टू द जो भी सेल्स हुए थे इन द प्रीवियस मंथ, यानी अप्रैल के मंथ में जो हुए थे, जिसका कलेक्शन मई में हुआ। तो जीएसटी का कलेक्शन मई 2024 में इट हैज रीच्ड 1.73 लाख करोड़, जो 10% इंक्रीज है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, विच इज कंपेरिजन टू मई 2023। तो अगेन दिस सिग्नल्स द दिस इज इन लाइन विथ व्हाट द जीडीपी इंक्रीज डेटा इज शोइंग। एक पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, एंड जो ग्रोथ आई है जीएसटी रेवेन्यू में वो मेनली फ्यूल्ड रही बाय अ सिग्निफिकेंट सर्ज इन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, जो 15.3% से सर्ज हुए हैं ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो हेल्दी अपटिक दिख रहा है कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया के लिए। सो डोमेस्टिक कंजम्पशन रिलेटेड चीजें, आपने FY24 के रिजल्ट भी जहां पर देखे होंगे, तो जो भी कंपनीज इंडिया सेंट्रिक थी, जिनकी मैक्सिमम रेवेन्यू इंडिया से आती है, दे हैव डन मच बेटर देन कंपनीज जिनका एक्सपोर्ट डिपेंडेंस है। सो दैट गोज अगेन इन लाइन विथ व्हाट द जीएसटी कलेक्शन डेटा इज शोइंग हियर। इंपोर्ट्स में 4.3% का डिक्लाइन यहाँ पर दिखा, विच इज मेनली लाइकली ड्यू टू सॉफ्टनिंग ग्लोबल डिमांड जो बाकी कंट्रीज में देखी गई है। अगर हम टोटल ग्रॉस रेवेन्यू, ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू की बात करें, तो दैट हैज रीच 3.83 करोड़ फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ FY25, तो विच इज अ 11.3% इंक्रीज कंपेयर टू द सेम पीरियड इन द लास्ट ईयर। अगेन इसमें भी डोमेस्टिक कंजम्पशन ही जो है वो मेजर कंट्रीब्यूशन वहां से आ रहा है, अबाउट 14.2% से इंक्रीज हुआ है। स्टेट वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गुजरात, ये टॉप परफॉर्मर्स अभी भी बरकरार है फ्रॉम द जीएसटी कलेक्शन पर्सपेक्टिव। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सटेंशियल इंटर गवर्नमेंटल एलोकेशन सेटलमेंट जो है वो भी इसमें किए हैं, इन ऑर्डर टू एंश्योर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दे हैव स्पेंट 99% ऑफ द केपेक्स टारगेट जो उन्होंने रखा था इन द बजट फॉर FY24। तो जो टारगेट था वो 9.48 लाख करोड़ का था, एंड 9.47 लाख करोड़ के आसपास का जो केपेक्स है वो FY24 के लिए एंटायरली स्पेंड हुआ है। तो केपेक्स का ऑलरेडी बजट जो था केपेक्स का वो काफी ज्यादा था, एंड केपेक्स हैज बीन अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन फ्यूलिंग द जीडीपी ग्रोथ एज वेल। हालांकि Q4 में जो नंबर्स आए हैं 7.8% के इंक्रीज में, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स जो है सेंटर का, उसका कंट्रीब्यूशन काफी कम है। सो दैट शोज अ मोर ऑर्गेनिक ग्रोथ इन जनरल, जहां पर गवर्नमेंट के स्पेंडिंग के अलावा भी ग्रोथ वहां पर दिखती नजर आई है। ब्रीफली हैवी मॉनसून की वजह से ये जो केपेक्स स्पेंड्स है वो जुलाई एंड अगस्त के मंथ में अफेक्ट हुए थे, लेकिन इट हैज अगेन गैदर्ड पेस फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर, जिससे द गवर्नमेंट हैज मोर और लेस बीन एबल टू अचीव द टारगेट केपेक्स। जो अप्रैल 2024 का केपेक्स का एक्सपेंडिचर रहा, दैट इज समवेयर अराउंड 99,000 करोड़, जो 31% से डिक्रीज हो गया है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। कुड बी दैट जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है उस वजह से केपेक्स स्पेंड शायद वहां पर ज्यादा नहीं हुए हो। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है इन द फर्स्ट मंथ ऑफ FY25 वो मेनली रेलवेज, रोड एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में ज्यादा रहा गवर्नमेंट का। सो दैट हैज बीन द मेन फोकस एरिया इन द फर्स्ट मंथ ऑफ FY25। अगली न्यूज जो है दैट इज फ्रॉम टाटास एन चंद्रा जी। तो उन्होंने ये कहा है कि एआई की वजह से हायर प्रोडक्टिविटी जरूर आने वाली है, लेकिन इससे जॉब लॉसेस भी होंगे, एंड इसी वजह से जो पीपल है वो आर वर्किंग इन एनी जॉब एनी फील्ड, इनफैक्ट बिकॉज एआई अभी ऐसी चीज हो गई है जो सिर्फ सॉफ्टवेयर रिलेटेड जॉब्स के लिए नहीं है, इट इनकैप्सुलेट्स अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस एज वेल। तो जो भी लोग जॉब मार्केट में है उनको रीस्किल करने की जरूरत है टू प्रिपेयर फॉर दी न्यू वर्ल्ड, जहां पर एआई इज गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर लिविंग। तो इस पर उन्होंने यहाँ पर कमेंट की है इन द लास्ट वीक, फ्राइडे को, फ्राइडे की बेसिकली ये स्टेटमेंट है उनकी, एंड उनका यही कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरेटिव एआई जो है इस वजह से जॉब लॉसेस काफी सर्टन है इन सम ऑफ द एरियाज जो अभी क्विकली ऑटोमेट होने लगे हैं, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली हायर होने वाली है। उन्होंने वही हाईलाइट किया कि रीस्किलिंग एंड प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज टू एम्ब्रेस दिस चेंज इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड, ऐसा उनका यहाँ पर कहना था। इससे पहले टीसीएस के सीईओ जो है उन्होंने भी ये पिछले महीने में एक इंटरव्यू दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो प्रोग्रेशन दिखा है एआई में, इससे कॉल सेंटर्स जैसे चीजों के लिए डिमांड जो है वो आगे चल के कम होने वाली है, जिससे इंडस्ट्री इंपैक्ट होगी नॉट जस्ट इन एशिया बट इन अदर कंट्रीज एज वेल, एंड इसीलिए ऑल ऑल द पीपल will be required to look at what value add they are giving in their job, and अगर वो AI जैसी चीजों को embrace करके, उनको use करके ही skilling सीख ले, decision making में वो better हो जाए, तो that will help the companies and the people who are working there as well, and obviously overall productivity जो है वो इससे boost होगी ही।
एन चंद्रा जी ने ये भी कहा कि जनरेटिव एआई जो है दैट इज नॉट जस्ट फॉर कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेसेस बट बी टू बी बिजनेसेस जो है उसमें भी वो इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑलरेडी। एंड उनका ये कहना है कि ही फील्स कि जो पावर ऑफ एआई है उससे पर्सनलाइजेशन ज्यादा होगा एंड एक्सपीरियंस बेटर एक्सपीरियंस कंज्यूमर को भी डिलीवर होगा बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स। उन्होंने ये भी कहा है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम टाटा ग्रुप के पास करंटली एटलीस्ट 100 एक्टिव जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इन पाइपलाइन है। सो इवन दे आर क्वाइट गंग हो अबाउट ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू जनरेटिव एआई। ग्लोबल इकोनॉमी पर आते हैं हम। ग्लोबल इकोनॉमी की जो न्यूज है दैट रिलेट्स टू द ऑयल प्रोडक्शन कट्स। तो ओपेक प्लस यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है उनका जो एक कार्टल है उन्होंने डिसीजन लेना था ऑन यस्टरडे अबाउट द प्रोडक्शन कट्स जो वो आगे करने वाले हैं। तो उन्होंने यही डिसाइड किया है कि काफी डीप प्रोडक्शन कट्स वो करेंगे इन 2025। दिस इज व्हाट ऑल द मेंबर्स ऑफ द ओपेक ग्रुप हैव अग्रीड टू कलेक्टिवली। तो जो ग्रुप है वो ओपेक कंट्रीज का वो यही चाहता है कि जो मार्केट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट देखा जाए तो थोड़ी सी ग्लोबल डिमांड में स्लो स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा हायर इंटरेस्ट रेट्स भी करंटली है। तो अगर डिमांड सब्ड्यूड रही एंड सप्लाई ज्यादा रहा तो प्राइसेस नीचे गिर जाएंगे। तो सप्लाई को कम करना आर्टिफिशियली कम करना बहुत जरूरी है। एंड ओपेक प्लस नेशंस ने यही डिसाइड किया है कि जो करंटली प्राइसेस दिख रहे हैं ऑयल प्राइसेस करंटली आर ट्रेडिंग एट अराउंड $80 पर बैरल। तो दिस इज स्टिल बिलो व्हाट ओपेक कंट्रीज नीड टू बैलेंस देयर बजट। ऐसा ओपेक के जो नेशंस है उनका ये मानना था। एंड थोड़े से वरीज उनके अंदर नजर आ रहे हैं कि जो डिमांड की ग्रोथ है वो इतनी स्लो है कि प्रोडक्शन डिमांड को भी प्रोडक्शन जो हो रहा है ऑयल का सप्लाई जो हो रहा है उसको भी थोड़ा सा कम करना बहुत जरूरी है अगर प्राइसेस को इन लाइन रखना है। तो ये सारे जो डीप कट्स की बात हो रही है वो काफी टाइम से चली आ रही है। इनफैक्ट 2022 से ही उन्होंने ये कुछ डीपर कट्स लेना शुरू कर दिया था। करंटली ओपेक मेंबर्स जो है वो ग्लोबल आउटपुट बाय अ टोटल ऑफ 5.86 मिलियन बैरल्स पर डे कट करेंगे विच इज अराउंड 5.7% ऑफ द टोटल ग्लोबल डिमांड। तो ये जो कट्स है दे ऑल्सो इंक्लूड 2 मिलियन बैरल्स पर डे बाय ओपेक प्लस मेंबर्स जिसमें वॉलेंट्री कट्स है। सो एनी ओपेक मेंबर कैन डिसाइड कि उनको वो कट्स लेने हैं या नहीं लेने। एंड एक सेकेंड राउंड भी होगा जहां पर 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे का कट ऐसा प्रपोज कर दिया गया है बाय द ओपेक प्लस नेशंस। अब बढ़ते हैं हम स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द ऑटो नंबर्स फॉर 2024 मई मंथ। तो ऑटो के नंबर्स फर्स्ट डे ऑफ द मंथ के बाद आ ही जाते हैं। तो हमेशा मंथ के स्टार्ट में जो जब भी हम वीडियो करते हैं तो ये एक चीज होती है जो टॉकिंग पॉइंट होती है अबाउट द ट्रेंड इन द ऑटो सेक्टर। तो जो नंबर्स आए हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपनीज है उनकी हम बात यहाँ पर करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प की अगर हम बात करें तो ये महीना उनके लिए इतना अच्छा नहीं था। मेनली ऐसा माना जा रहा है कि समर सीजन इतना बुरा रहा है इस बार कि टू व्हीलर जैसी प्रोडक्ट में जो डिमांड देखी गई था इससे पहले वो उतनी अच्छी देखी नहीं गई। स्कूटर के सेल्स कंपनी के लिए 10.6% से गिर गए। मोटरसाइकिल के सेल्स ऑल्दो ऑलमोस्ट 4,71,000 यूनिट्स उन्होंने बेचे हैं इन द मंथ ऑफ मई 2024 लेकिन दीज आर स्टिल डाउन बाय 3.71% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। ऐसा ही ट्रेंड रॉयल एनफील्ड के सेल्स में भी देखा गया जिसमें 10% से डिक्रीज देखा गया है फ्रॉम द अर्लियर ईयर। इनकी प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में इनका मेनली मार्केट शेयर है एंड टोटल अराउंड 71,000 यूनिट्स उन्होंने बेचे हैं इन द मंथ ऑफ मई विच इज लाइक आई सेड अराउंड 8 to 10% का डिक्लाइन देखा गया है इन दिस मंथ। तो दोनों टू व्हीलर के जो सेगमेंट्स अगर हम देखें तो क्लियर है यहाँ पर कि इट कुड बी द फैक्ट दैट समर्स इस बार इतने जो बुरे रहे हैं हीट वेव्स रहे हैं कंट्री में बहुत जगहों पर तो इस वजह से हो सकता है कि ये नंबर ज्यादा अफेक्ट हुआ हो। अगर हम फोर व्हीलर्स पर आते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की तो इनके जो वॉल्यूम्स है वो 2% से बढ़ गए हैं ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड दे हैव रीच्ड अराउंड 75,000 यूनिट्स फॉर दिस मंथ। मारुति सुजुकी की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट देखी गई है लाइक टू व्हीलर्स। ऑल्दो जो गिरावट मारुति सुजुकी में देखी गई है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो टोटल सेल्स जो है वो 2% से गिर गए हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आई एम टॉकिंग अबाउट। डोमेस्टिक सेल्स हाउएवर आर अप बाय 4%। तो क्लियरली एक्सपोर्ट्स कम होना ही कंपनी को इस मंथ में ज्यादा अफेक्ट कर गया है ऑन अ वॉल्यूम परस्पेक्टिव। महिंद्रा एंड महिंद्रा के जहां तक नंबर्स अगर हम देखें तो 17% की ग्रोथ इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स देखी गई है इन द वॉल्यूम्स फॉर मई 2024। इनफैक्ट उनका जो डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ देखा गया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स दैट इज 31%। तो क्लियरली एसयूवीज फोर व्हीलर्स में वी आर सीइंग बेटर नंबर्स फॉर द मंथ ऑफ मई एंड उसमें भी एसयूवी का जो ट्रेंड दिख रहा है प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड दिख रहा है इवन इन द ऑटो सेगमेंट तो वो भी यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिख रहा है।
अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल्स के रिजल्ट्स थर्सडे को डिक्लेयर हुए थे, फ्राइडे को उनका कॉन कॉल था जहां पर कंपनी की मैनेजमेंट ने कुछ इनसाइट्स दिए हैं अबाउट द फ्यूचर एंड FY25। तो कंपनी का ओवरऑल जो ग्रोथ का गाइडेंस है दैट इज इन मिड टीन्स, सो समवेयर अराउंड 15% का ग्रोथ गाइडेंस उन्होंने दिया है फॉर FY25। अपोलो ये एक्सपेक्ट करता है कि उनका जो नेटवर्क एक्सपांशन है एंड बेटर पेयर पेयर जो मिक्स है, इसकी वजह से उनके वॉल्यूम्स जो है वो बेटर रहेंगे फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज बिजनेस। मेनली दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि जो इंटरनेशनल पेशेंट्स का मिक्स है इन देयर बिजनेस वो और इम्प्रूव हो जाए। करंटली अराउंड 9% रेवेन्यू कंपनी का इंटरनेशनल पेशेंट्स के द्वारा आता है एंड वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आगे भी इंक्रीज होगा। जो उनकी MD है मिसेस सुनीता रेड्डी, तो उन्होंने ये कहा है कि बिकॉज ऑफ बेटर कनेक्टिविटी एंड एक्सेस, इस वजह से इंटरनेशनल पेशेंट्स जो है वो FY25 में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़े और बेटर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अपोलो के आगे के प्लान्स कैसे हैं, ऑक्यूपेंसी लेवल्स को उनको अराउंड 68-70% ले जाना है इन FY25। पिछले साल जो गाइडेंस दिया था कंपनी ने उसको कंपनी मिस कर चुकी है। इस बार उन्होंने गाइड किया था अबाउट दिस ऑक्यूपेंसी इन FY24, बट अराउंड 65% के आसपास की ही उनकी ऑक्यूपेंसी ओवरऑल रही थी। मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि आगे चलकर वो 4 नए हॉस्पिटल्स भी ऑपरेशनलाइज करना चाहते हैं विच इज इन FY25-26 एंड इनकी जो कंबाइंड बेड कैपेसिटी होगी वो अराउंड 1500 बेड्स की होगी। दिस इज इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स फॉर द कंपनी। तो यहीं पर हमारा न्यूज का सेक्शन जो है वो कंक्लूड होता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे फाइनल सेक्शन पे, दैट इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो हमने बिलीव इट और नॉट सेक्शन में कई बार इससे पहले मैंने कॉपर की बातें की है, हमने कमोडिटीज में कई बार जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू एनालाइज, कोको की भी बात इससे पहले हमने की है, लेकिन अब कमोडिटी मार्केट में एक और कमोडिटी की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई है दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक सेंस ऑफ। एंड इनफैक्ट बिफोर आई वॉज इवन सर्चिंग फॉर दिस, मुझे पता भी नहीं था कि ये कमोडिटी, ये चीज जो है दैट इज एक्चुअली ट्रेडेड इन कमोडिटी मार्केट। तो कमोडिटी मार्केट्स में ऑरेंज जूस के जो फ्यूचर्स है, ऑरेंज जूस के फ्यूचर्स वो एक ऑल टाइम हाई पर चले गए हैं। इतने इतना ज्यादा इसमें यूफोरिया आ गया है इन दीज कमोडिटी प्राइजेस कि अगर हम लगभग 2021-22 से कंपेयर करें तो ये जो फ्यूचर्स है दे आर ट्रेडिंग एट 5x टाइम्स राइट नाउ। सो दैट इज बीन द काइंड ऑफ जंप इन द ऑरेंज जूस फ्यूचर्स जो मार्केट्स में दिख रहे हैं करेंटली। एंड दिस इज द ग्राफ एक्चुअली ऑफ दीज फ्यूचर्स एंड हाउ दे हैव गॉन इन द लास्ट लास्ट 1 ईयर। अगर आप देखोगे तो ऑरेंज जूस के फ्यूचर्स बहुत बढ़ गए। अभी इंडियन पर्सपेक्टिव से ऑरेंज जूस जैसी कमोडिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दैट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेकफास्ट और द फूड दैट इज कंज्यूम्ड। बट अगर हम अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखें या फिर इवन कंट्रीज लाइक जापान, तो ऑरेंज जूस जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर ब्रेकफास्ट बास्केट जो उनकी जो होती है। तो इस वजह से काफी रिपल इफेक्ट्स अब दिखने शुरू हो गए हैं। जो ब्रेकफास्ट स्टेपल के प्राइजेस है वो रैपिडली क्लाइंब हो रहा है फॉर द अमेरिकन इकोनॉमी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पर क्या रीजन रहा है कि ऑरेंज जूस के जो फ्यूचर्स है वो इतने बढ़ गए हैं? तो मेनली इसका रीजन इसी पर दिखा है कि प्रोडक्शन का शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गया है इन द लास्ट 1 ईयर। ब्राजील इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग नेशंस ऑफ ऑरेंज इन इन द वर्ल्ड एंड वो काफी बड़ी मात्रा में इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ब्राजील में लास्ट 1 ईयर में कुछ क्लाइमेट चेंजेस की वजह से आउटपुट्स हैव बीन अफेक्टेड वेरी एडवर्सली एंड जो भी कंट्रीज ब्राजील से आने वाले इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है दे हैव बीन मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस एंड दैट गोज ऑन टू शो द इफेक्ट्स दैट ऑरेंज जूस जैसी कमोडिटी पर भी हो रहे हैं। तो बहुत सारे कंपनीज जो है, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत सारे कंपनीज इससे यही करने वाले हैं कि क्वांटिटी जो है ऑरेंज जूस की विद इन दी एंटायर जूस बास्केट वो उसको कम कर देंगे। जो ऑरेंज जूसेस भी है जो प्रिजर्वेटिव्स डाल के एंड मैन्युफैक्चर्ड जूसेस जो होते हैं तो उसमें भी इसकी क्वांटिटी कम की जाएगी एंड बाकी जूसेस लाइक पियर जूस, एप्पल जूस, इसको मिक्स कर दिया जाएगा ताकि वो ऑरेंज जूस पर थोड़े से लेस रिलायंट हो सके। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द सम ऑफ द अदर फ्रिंज चीजें जो है विद इन द प्रोडक्शन साइकिल, तो उसमें भी ये सारी चीजें हो रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो इफेक्ट्स दिख रहे हैं स्पेशली ना कमोडिटी लाइक ऑरेंज जूस, ये काफी लॉन्ग टर्म इन नेचर है। सो दीज प्राइसेस आर नॉट गोइंग टू कम डाउन क्विकली। तो कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अब चीजें ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई है कि अब जो सिचुएशन को हेल्प कर सकता है वो यही चीज है कि जब कस्टमर्स को समझ में आएगा कि उनको इतना प्रीमियम भरना पड़ रहा है फॉर ऑरेंज जूसेस तो डिमांड शायद कम हो जाए। एंड ऐसे में अगर डिमांड थोड़ी सी कम होने लगी तो मे बी देन सप्लाई कैन कम इन टर्म्स विद द डिमांड। सो ऐसे पॉइंट पर अब चीजें पहुंचने लगी है जहां पर कस्टमर्स आर नो लॉन्गर विलिंग टू पे प्रीमियम फॉर दी ऑरेंज जूस। तो तभी जाकर चीजें जो है प्राइजेस जो है वो थोड़े से स्टेबिलाईज हो सकते हैं। एक्सेसिव हीट इज द मेन रीजन कि ब्राजील की जो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है
दैट हैज बीन सो मच अफेक्टेड इन द लास्ट 1 ईयर, एंड इट इज गोइंग टू रजिस्टर वन ऑफ इट्स वर्स्ट ऑरेंज हार्वेस्ट इन द लास्ट 30 ईयर्स. सो इस वजह से ऑरेंज जूस के जो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स है, दे आर सीइंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स करेंटली. दैट इज इट फॉर टुडेज, आज की ताजा खबर. मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कि कौन से पार्ट्स आपको मेनली अच्छे लगे, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, एंड investindia.in को विजिट करना मत भूलिए. बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो अच्छे डिस्काउंट्स भी करंटली है. सो मैं आशा करता हूँ कि आप इसका फायदा जरूर लेंगे. मिलते हैं हम अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.